लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी। फिरोजाबाद एसडीएम की विवादित जमीन पर हुई बड़ी कार्रवाई। जी हां, पूरा मामला थाना वसई मोहम्मदपुर सूफी शाह की दरगाह के पास का है। निर्माण हो रही विवादित जमीन की दीवार को जेसीबी मशीन के द्वारा एसडीएम सदर चंद्र कुमार जवालिया ने तुड़वाया। फिरोजाबाद एसडीएम की विवादित जमीन पर बड़ी कार्रवाई। थाना वसई मोहम्मदपुर के सूफी शाह की दरगाह के पास निर्माण हो रही विवादित जमीन की दीवार को एसडीएम सदर चंद्र कुमार जवालिया ने तुड़वाया। जी हां, एसडीएम सदर फिरोजाबाद ने आज थाना वसई मोहम्मदपुर के सूफी शाह की दरगाह के पास निर्माण हो रही विवादित जमीन वाले स्थान पर पहुंच निर्माणधीन दीवार को जेसीबी मशीन से तुड़वाया। विवादित जमीन का डॉक्टर शमीम अहमद खान निवासी मुश्ताक बिल्डिंग व प्रेमा किन्नर दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। वह दोनों लोग इस जमीन को अपनी होने का दावा करते हुए नजर आए। इस विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर डॉक्टर शमीम ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। चाहूंगी कि ये हमारे पुरखों को बधाई में मिली थी, हमारे पुरखों को जिनकी कब्रें बनी हुई है यहाँ पर, तो ये अपनी बताते हैं। हमारे पास तो उसका पट्टा भी है, वो दिखाया भी है, सरकारी मोहर लगी है। ये तो क्या कहते हैं, दलाल है जो बीच में आके कूद पड़े हैं और जबरदस्ती अपनी जगह बताते हैं। प्रशासन ने हमसे आश्वासन दिया है कि आप अपने कोर्ट की कार्रवाई पूरी कीजिए। ये सर जबरदस्ती हमसे दबाव बना रहे हैं और जगह में बीच में घुसकर कह रहे हैं कि हमें जगह दिलवाइए इसमें से। कागज समझे, हमारे पास कागज रखे हुए हैं, वो आपने प्रशासन के सामने दिखाए थे, प्रशासन को भी दिखाए थे। उन्होंने कहा है कि आप सब्र करें, हमें ऊपर से आदेश लेके आइए, तब कुछ आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। भूमि विवाद का मामला संज्ञान में आते ही फिरोजाबाद जिला प्रशासन में बिना देरी किए ही विवादित जमीन पर पहुंचे। वहां हो रहे निर्माण को रुकवाने की व तुड़वाने की कार्रवाई की और दोनों पक्षों से माननीय न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी तरह के निर्माण को ना करने के लिए भी कहा। निर्माणधीन विवादित जमीन की दीवार को तोड़ते समय थाना वसई मोहम्मदपुर प्रभारी सरदेव सिंह चंदवार चौकी प्रभारी इंदल सिंह के साथ सदर तहसील के कानूनगो भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की रिपोर्ट। किन्नरों के पास एक 1951 का हमारी पेपर लिया है, वो दिखाते हैं और वो हमारे खानदानियों के पेपर हैं, सारे लोग हैं उसमें, अंसारी भी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं सारे लोग, उनका हमने एसडीएम साहब को पेपर भी दे दिए हैं पूरे, और ये अपनी बताकर इस पर कब्जा अवैध करते हैं। जबकि ये जगह पे हमारा भी नहीं है आगे समय, इसलिए कि वो जगह सासोबी साहब की तरफ जाती है रास्ता मोड़, वहाँ पर है वो जगह। ये नंबर 8/7, उसका नंबर 8/7, तो जिसके मालिक हैं अब्दुल सत्तार वगैरह, जो हमने इनको पेपर दे दिए हैं। फिर डॉक्टर शमीम अहमद साहब ने एक पट्टा लिया था, जिसका एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, कानगो साहब ने, लेखपाल ने उनका पट्टा पास कर दिया गया, नक्शा बना दिया गया, उनको कब्जा दिला दिया गया था। उन्होंने बाउंड्री खोद के बनवा ली थी, किन्नर लोगों ने उसकी बाउंड्री पर दीवार उठा ली और ये 2018 से उनको परेशान करते चले आ रहे हैं, 17/18 से। तो इस पर कब्जा किसका था और आज किसके? शमी अहमद, डॉक्टर शमी अहमद का कब्जा रहा है शुरू से ही इस पर, जब से इन्होंने पट्टा लिया है। इन्होंने लिया था 15 में, तो इन्होंने एक साल हो गए, इन्होंने किन्नर रोज परेशान करते रहते हैं, उन्हीं की बाउंड्री थी, दीवार उन्होंने आगे लगा ली जबरदस्ती कल, जिसकी शिकायत डीएम साहब से करी डॉक्टर शमी अहमद साहब ने। फिर आज ये किसके कहने पर ये एडीएम साहब के कहने से तोड़ी गई है, पेपर देख के आदेश देख किए एडीएम साहब ने कहा, डीएम साहब ने कहा डॉक्टर साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपका खतौनी में भी नाम चढ़ा हुआ है, आपका पट्टा नक्शा सब बना हुआ है, इसलिए वो दीवार तोड़ी आई है। आपको ये अवैध निर्माण था जी? जी जी, लैंड है ये, ग्राम सोफीपुर है, इसका घाटा संख्या 38 मिल जुमला है। इस पर दो तीन लोगों का आपसी विवाद है,
लेकिन आपसी विवाद में किसी को ये अभी क्लियर नहीं कि किसकी ज़मीन कहाँ बेचते थे, क्योंकि ये शामिल शामिलात नंबर है मिलजुमला का, तो जब तक सक्षम न्यायालय से इसमें क्लियर नहीं हो जाएगा, आदेश नहीं हो जाएगा कि किसकी ज़मीन किस जगह है किस साइड में, तभी उसका हो जाए मतलब वो अपना जो है निर्माण कर सकते, क्योंकि विवाद की स्थिति है, तो विवाद की स्थिति में जब तक जो है सक्षम न्यायालय से कोई आदेश नहीं पारित हो जाएगा तब तक कोई किसी का निर्माण जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्या पाया और आपने आज किस तरह की, हम बता तो रहे हैं आपको, ये जो पाया वही तो बता रहे हैं कि 38 नंबर है, इसमें हमारा सरकारी ज़मीन भी है, कुछ इसमें पट्टेदार भी हैं, तो विवाद है ना, विवाद होने की स्थिति में ये जो है कार्रवाई जो है जो हमने अभी जान पाया इलीगल था, अवैध था, इसलिए उसको हटवा दिया। जब कोई अपना जो है सक्षम न्यायालय कोई आदेश देगा तो इसके बाद उसकी जो है कार्रवाई होगी। जो दीवारें उठी थी वो तोड़ी गई हैं? हाँ तोड़ी गई है, वो तो दीवार हमने तोड़वा दी, आपके सामने तोड़वा दी, जो 2-3 फीट 4 फीट जो भी लगी हुई थी जो अवैध रूप से बनाई गई थी उसको हमने गिरा दिया। जब भी अपने किसी न्यायालय से आदेश ले आएंगे तब इसके बाद हम उसको जो है नियमानुसार जो होगा वो कार्रवाई करेंगे।